नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आपके साथ मैं हूं शिवानी। पिछले दिनों की बात करें तो राजधानी पटना सहित कई अन्य जिले में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बारिश से राजधानी पटना सहित आसपास के इलाके तरबतर हो गई। इसके साथ ही आने वाले 3 दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में आकाश में काले बादल छाए रहेंगे। वहीं मौसम विभाग द्वारा देखा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा की ओर शिफ्ट होने वाले कम दबाव वाले क्षेत्र और बिहार से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सक्रिय चक्रवात की वजह से बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने फिर से राज्य भर के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से भारी बारिश और वज्रपात को लेकर सावधानी बरतने की अपील की है। सबसे ज्यादा दक्षिण बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पटना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। इन जिले के क्षेत्रों में 30 से 40 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। ऐसे में भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में ट्रफ रेखा के परिसंचरण की वजह से 72 घंटे के दौरान बिहार के उत्तर और दक्षिण हिस्से में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ रहेगा। और चलिए अब देखते हैं बिहार में जिलेवार ढंग से अगले 3 दिन 1, 2 और 3 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का हाल। बात करें उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज की, तो 1 अगस्त को इन जिले के कई जगहों पर, वहीं 2 और 3 अगस्त को इन जिले के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 1 अगस्त को इन जिलों के कई अधिकांश जगहों पर, वहीं 2 और 3 अगस्त को इन जिलों के कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में 1 अगस्त को भारी से अत्यंत भारी बारिश होने का अनुमान है, जिसके लिए मौसम विभाग पटना द्वारा चेतावनी जारी की गई है। वहीं 2 और 3 अगस्त की बात करें तो इन दिनों इन जिले के कई स्थानों पर बारिश की उम्मीदें जताई जा रही है। बात करें दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कई जगहों पर अगले 3 दिन 1, 2 और 3 अगस्त को गरज आकाशीय बिजली के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि यहां पर इन दिनों लोग थोड़ा सचेत रहें। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय की बात करें तो यहां 1 अगस्त को अधिकांश जगहों पर गरज आकाशीय बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं 2 और 3 अगस्त को इन जिले के कई जगहों पर आकाशीय बिजली, मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश की संभावना है। साथ ही बाकी के समय में आकाश में काले बादल घिरे रहेंगे। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया की बात करें तो 1 अगस्त को इन जिले के अधिकांश जगहों पर, वहीं 2 और 3 अगस्त को इन जिले के कई जगहों पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली की संभावना है, उसके साथ बारिश की भी उम्मीदें जताई जा रही है। खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो इन दिनों आकाश में घने बादल छाए रहेंगे। राजधानी पटना सहित इसके सटे इलाके के 1-2 जगहों पर बारिश की भी उम्मीद है। वहीं अब राजधानी वासियों को उमस वाली गर्मी से राहत मिलने की संभावना दिख रही है, जहां अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम को लेकर यह जानकारियां महज एक संभावना है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।